नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? बहुत अच्छे। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है शरारती चूहा। आप सभी को पता है, गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वो बहुत छोटा सा था, मगर सारे घर में भागा चलता था। आपको पता है बच्चों, उसने गोलू की किताब भी कुतर डाली थी, कुछ कपड़े भी कुतर दिए थे। गोलू की मम्मी जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती तो क्या होता था, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पी कर बड़ा हो गया था। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बना कर रखा। शरारती चूहे की नज़र उस बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया था, वो शरबत को पीना था। चूहा बोतल पर चढ़ा, किसी तरह से ढक्कन खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें चूहा मुंह घुसाने की कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस पाता है। फिर चूहे को एक सुझाव आया। उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत से गीली हो जाती है। उसे चाट चाट कर चूहे का पेट भर गया। अब वह गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा। तो बच्चों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिली? मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता है, इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।